और शिखर धवन के लिए सेम, शिखर धवन टेस्ट टीम के हिस्सा नहीं है, उनके पास 2 महीने थे, वो वापस आते, वो दिल्ली के लिए खेलते, रणजी ट्रॉफी, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब आपके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप और अपनी क्रिकेट इंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है MS धोनी के साथ सेम है, सिलेक्टर्स को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, सिलेक्टर्स को बोलना चाहिए था कि MS धोनी हो, शिखर धवन हो, अंबती रायडू हो, वर्ल्ड कप का ईयर है, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, आपको बेस्ट फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाऊँ और सिर्फ मैच इंडिया के लिए खेलूँ। चलिए अभी तो फ्री हिट है यहाँ, और इस तरह से फ्री हिट का फायदा उठाते हैं रोहित शर्मा। अब ये फील्डिंग भी देखिएगा जरा भाई साहब, मजा आएगा, आनंद आएगा आपको शॉन मार्च की ये फील्डिंग का एफर्ट देख के। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ओवरस्टेप करने से, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, यहां से उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, बिकॉज रोहित ने भी इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है अभी तक। अब यहां उनके पांव पे अगर आप ध्यान देते तो वहां पे शॉट, वो अच्छा खेलते, बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, छक्का। देखिए बाउंसर, बाउंसर का जब प्रयास होता है, थे भारतीय टीम में 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो हुक शॉट बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं, एक है विराट कोहली और दूसरे है रोहित शर्मा। बेहतरीन शॉट है, जबरदस्त। कमाल का हवाई फायर, और जो करना चाहते थे गेंदबाज की लाइन और लेंथ, गेंदबाज को मजबूर किया कुछ अलग करने के लिए। ये 5 डॉट गेंदे और छठे गेंद पे आए 6 रन, 53 पे 3। सफेद गेंद रुकती नहीं है सतह पे पड़ने के बाद, टेस्ट मैच में इसी तरह आउट हुए थे। ड्राइव किया, उतनी ऊपर नहीं थी गेंद, और जिसके लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं, लॉन्ग लीवर थोड़ी छोटी होती है तो पुल कराते हैं, उसी प्रकार कमाल की टाइमिंग थी। और अगर आप आउटफील्ड देखें, थोड़ा सा दूर फील्डर से, और कोई मौका नहीं डीप फील्डर को इसको कट करने के लिए, थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश करी, एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स। रविंदर जडेजा की बात करें, बाहरी किनारा पर खुशकिस्मत रहे रोहित शर्मा, गैप में गई गेंद, आउटफील्ड काफी तेज आ सिडनी का, और 4 रन। गेंद जीती पीटर सिडल से, और इसी बीच रोहित शर्मा का अर्धशतक भी पूरा, 3 विकेट भारत ने खोए उसके बाद, इस तरीके की पारी की थी दरकार, और इसे आगे बढ़ाना होगा अगर इस मैच के पास पहुंचना है भारत को और फिर जीतना है। बिल्कुल आशीष, मुझे लगता है ये पारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पार्टनरशिप भी, जब आप 3 विकेट 4 रन 5-4 रन पे खो देते हैं, तो जिस तरीके की ये पार्टनरशिप हुई है, यही पार्टनरशिप अगर अगले 10 या 15 ओवर खेलती है तो इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है। इस तरह के शॉट्स लगाते रहे, क्योंकि ओवर में अगर बाउंड्री आएगी तो फिर दबाव गेंदबाज के ऊपर आ जाता है। ये शॉट जो है ये T20 की देन है। 18वीं गेंद थी उनकी जब पहला रन बनाया था बोर्ड पे, आज छक्का लगाया था फ्लिक करके, और फिर ये देखिए 50 के बाद इनका जो हम जो गेयर की बात करते ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। चलिए आगाज तो हो चुका है इस ओवर से, 12 रन आए ओवर से। और जब खाता खुल जाता है एक बार, फिर बाकी सबके खाते बंद हो जाते हैं, गेंदबाजों के खाते बंद कर देते हैं ये। ठिकाने पहुंचाते ही देखिए कदमों का इस्तेमाल, और इनका जो हाई बैकलिफ्ट है बॉल के पीछे प्रहार। पहले ही गेंद ओवर का दबाव डालना चाहते थे रोहित शर्मा जय रिचर्डसन पे। ये फुल शॉट, जबरदस्त शॉट खेलते, ये चौका होगा। कमाल का शॉट, बहुत कम ऐसे बल्लेबाज, और अब रोहित शर्मा ये देखिए, और एक छोटी गेंद, आधी पिच पर गेंद, और ये दूसरा चौका।
अच्छी ओवर साबित हो रही है, बल्ले के बिल्कुल नीचे लग गए। बहुत अच्छा शॉट, थोड़ी सी जोखिम उठाई पर बहुत अच्छा शॉट। 3 चौके इस ओवर में, 13 रन, और रोहित शर्मा सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर। बिल्कुल सही सोच, दो होने चाहिए वहां पे, 2 रन पूरे, शतक पूरा रोहित शर्मा का, 22वां शतक एक दिवसीय क्रिकेट में रोहित शर्मा, एक और शानदार पारी। सातवां शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये तो बहुत ही अच्छा शतक था। शुरुआत धीमी की थी क्योंकि 3 विकेट फटाफट निकल पड़ी थी। गेंदबाज, ये देखिए प्रयास था बड़ा स्ट्रोक लगाने का पर ऐसा हो नहीं सका, खुशकिस्मत रहे गेंद बीच में गिरी, स्टोनियस थे डीप मिड विकेट पर। रविंदर जडेजा को फुल टॉस गेंद, थके हुए नजर आते हैं साफ, इसमें तो कोई संदेह नहीं, फुल टॉस गेंद को मिस किया, खुशकिस्मत रहे 4 रन बटोरेंगे, 193 पर 5 बार। पिछले ओवर में भी एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, चूक गए थे पर इस बार नहीं, आड़े हाथों लिया इस बार नेथन लायन को, कमाल का ये स्ट्रोक। ओवर के शुरू में बढ़िया स्ट्रोक, यॉर्कर डालने का था प्रयास, इस बार छोड़ा नहीं रोहित शर्मा ने, कमाल का ये स्ट्रोक। यहां पे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल आपने उनके चुने चुनाए इलाके में गेंद डाल दी है और ये है उनका प्रकोप, ये इनके ठाट जब ये बल्लेबाजी करते हैं। अगर एक बार ये सेट हो जाए तो कहना ही क्या। एक और बढ़िया स्ट्रोक गैप में, 213 पर 5। जैसा रोहित शर्मा अभी तक कर रहे हैं, फुल टॉस गेंद एक बार फिर, मिड ऑफ ऊपर था, 4 रन मिलेंगे और वो टपाने में वो कामयाब रहे, नहीं तो बल्ले के काफी निचले भाग में आके गेंद लगी थी। खराब रणनीति में कहूंगा स्टोइनस और फिंच द्वारा, जितनी गति, ये गेंद हवा में डीप मिड विकेट इसके नीचे आएगा, जी हां पकड़ लिया कैच मैक्सवेल ने, रोहित शर्मा हुए आउट, स्टोइनस अनुभव का फायदा। और रोहित शर्मा जो थे वो इस तरह से आउट हुए, धीमी गति की गेंद, उंगलियां किस तरह से फेरी थी सीम के ऊपर, गेंद ऊपर चढ़ती चली गई और जब उन्होंने वो शॉट खेला तो वो ऊंची ज्यादा चली गई गेंद, उतनी ज्यादा दूर वो शॉट को भेज